जर्मनी में 52 लोगों को लेकर उड़ा एक विमान गायब हो जाता है और 35 साल बाद अचानक से ब्राजील की धरती पर उतरता है। दुनिया भर के अखबार इस खबर को छापते हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर 35 सालों से विमान कहां पर था। दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं कि उनको समझ पाना असंभव लगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने का है। हम बात कर रहे हैं सैन डिएगो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की। साल 1854 में सैन डिएगो एयरलाइंस के जहाज ने पश्चिमी जर्मनी के एंकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं भी लैंड नहीं किया। 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये फ्लाइट लापता हो गई थी। फ्लाइट नंबर 513 को अपनी उड़ान के 18 घंटे बाद ब्राजील के पार्लो एलेगर एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान ने उड़ान भरी और आसमान से गायब हो गया था। लाखों कोशिशों के बाद भी इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। 87 यात्रियों से भरे इस विमान के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। विश्व की जानी मानी एजेंसियां भी इस विमान की खोज में लग गई थी, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि विमान का मलबा भी कहीं नहीं मिल सका। खोज टीमों ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। लोगों ने मान लिया था कि विमान अटलांटिक महासागर के हादसे का शिकार हो गया और विमान में सभी 92 यात्रियों की मौत हो गई है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 37 साल बाद पोर्लो एलेगर एयरपोर्ट पर अचानक से एक विमान दिखा जो कि बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। अधिकारियों ने जल्द से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। विमान के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस का नाम भी लिखा हुआ था और फ्लाइट नंबर भी वही था जो कि 37 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी भी घबरा गए थे क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1856 में बंद हो चुकी थी। विमान के लैंड करने के बाद जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए क्योंकि पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे। हर कंकाल अपने सीट पर बैठा हुआ था। यहाँ तक कि विमान के कप्तान मुगल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी पायलट कंट्रोल्स को पकड़े हुए था और विमान का इंजन भी चालू था। घबराकर सिक्योरिटी स्टाफ विमान से नीचे उतर गया और इसके बाद फिर से एक चमत्कार हुआ। लैंडिंग करने के बाद इस विमान ने एक बार फिर से उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान से गायब हो गया। इसके बाद से दोबारा विमान का कोई पता नहीं चल पाया था। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही है। आपको बता दें 1889 में वर्ल्ड टेबलॉइड मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल अफवाह है और कुछ इसे सच मानते हैं, लेकिन आखिरकार सच क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी लापता फ्लाइट 513 की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।